मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सप्लेन करा था व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मींस होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउट मोस्ट आइसोलेटेड एटम। किसी भी आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे किस नाम से जानते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिमूव करने के लिए ठीक है कुछ फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक जिसे हम कहते हैं, जिसमें पहला कारक है मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन कंपेंस्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। कहने का मतलब है वो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट द इलेक्ट्रॉनिक पेनिट्रेट द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को पेनिट्रेट करने वाला जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, इन कंपेस्ट का मतलब होता है सराउंडेड, सराउंडेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉनिक सेल। वो किससे सराउंडेड होता है, इनर इलेक्ट्रॉनिक सेल से। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ, दिस इज द साइंटिफिक लैंग्वेज, ये हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, अगर सिंपल शब्द में बोलूँ तो हमारा जो पहला फैक्टर है ये थोड़ा टिपिकल सी लग रहा है अगर, तो इसका सिंपल वर्ड है द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। यू नो दैट शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, आपको पता है कि हमारे पास चार ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल ठीक है। और सबकी पेनिट्रेटिंग टेंडेंसी, पेनिट्रेशन का मतलब भेदन क्षमता डिफरेंट डिफरेंट होती है ठीक है। कैसे, जैसे कि एस ऑर्बिटल हमारे स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल हमारा डंबल शेप होता है, डी ऑर्बिटल हमारा डबल डंबल शेप होता है, ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में इससे कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे पास सब ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन टेंडेंसी भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ठीक है। तो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, हमें लूजली का मतलब हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर एस ऑर्बिटल के बारे में जानकारी ले तो दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारे न्यूक्लियस है और ये हमारा एस ऑर्बिटल है क्योंकि स्फेरिकल रहेगा, हमारा क्या रहेगा, सर्किल में रहेगा ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सर्कुलेट ऑर्बिटल में प्रॉपरली क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे ठीक है, क्योंकि ये कोई भी डायरेक्शनल नहीं होता है, एस ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शनल नहीं होती है, स्फेरिकल होता है इसलिए न्यूक्लियस से टाइटली बंधा हुआ रहता है। अगर ये न्यूक्लियस से टाइटली बंधा हुआ है तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी ठीक है। टाइटली बॉन्डेड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसका एक ही काम है केवल इस, ये इलेक्ट्रॉन का एक ही काम है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इसका एक ही काम है कि ये सर्कुलेट ऑर्बिटल में क्या करे, रोटेट करे। और सर्कुलेट ऑर्बिटल में रोटेट करने के साथ साथ इसका न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन रहेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब एस ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है ठीक, ज्यादा होती है किससे, कंपेयर करेंगे इन कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। अब बात करेंगे अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल के बारे में भी जानकारी मिल गई ठीक है, ये हमारा सपोज एस ऑर्बिटल। अब बात करेंगे अगर हम पी ऑर्बिटल के बारे में, अगर हम इसके बारे में जानकारी रखना चाहें कि भाई पी ऑर्बिटल का भी तो कुछ होता होगा, तो आपको पता है पी ऑर्बिटल क्या होता है, डंबल शेप का होता है, डंबल शेप का होता है, तो दिस इज द न्यूक्लियस और ये होता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब होता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीन एक्सिस में क्या करता है, रोटेट करता है। सपोज मैंने ये वाई एक्सिस ले ली तो इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होगा ये होगा और इसकी न्यूक्लियस से दूरी जब यहां पर देखा जाएगा, ये न्यूक्लियस है सपोज, तो इसकी न्यूक्लियस से दूरी यहां पर क्या होगी, कम होगी और यहां पर जाके क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दैट मींस कहने का मतलब है इसका शेप एक सर्कुलर ऑर्बिटल में नहीं होता, ये डंबल शेप का होता, तो इसका इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनका न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन होगा तो सही, मना नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन क्या होगा, एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में क्या होगा, लेस होगा ओके। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द डी ऑर्बिटल, अगर हम डी ऑर्बिटल के बारे में बताए तो हमारा ही हो गया आपका पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपका हमारा है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होता है डबल डंबल से, डबल डंबल का मतलब होता है जैसे कि आपको पता है डी ऑर्बिटल पांच पार्ट्स में बटे हुए हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स वाई का मतलब है कि एक डंबल एक्स एक्सिस में है, दूसरा किस में है आपका वाई एक्सिस में, तो दैट मीन इसमें तो और कम अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डबल दो एक्सिस में क्या होता है, रेगुलरली मूवमेंट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब है तो मोस्टली शेप ऑफ द ऑर्बिटल, अगर मैंने आपको कहा इसकी समरी बोली, मैंने कहा ये जो मैंने हेडिंग की है इसकी समरी, तो इसकी समरी यह है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बंधे हुए होते हैं। इसका मतलब है एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बंधे हुए होते हैं, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, टाइटली बंधे हुए।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। सेम केस पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में लेस टाइटली बैंड होते हैं, तो इसमें इसके कंपैरिजन में क्या होगी, लेस एंथैल्पी की आवश्यकता होगी। डी ऑर्बिटल में ऑल लेस बंधे हुए होते हैं, तो इसके एंथैल्पी पी के कंपैरिजन में क्या होगी, आपकी लेस होगी। और सेम वे एफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल के लिए, एफ ऑर्बिटल के लिए एंथैल्पी क्या होगी, ये होगी। तो कहने का तब है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे होते हैं, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एंथैल्पी की आवश्यकता होगी। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे नहीं होते, इसलिए इसकी एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर टू अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमारा पहला फैक्टर था आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करने में, जो स्पेशल फैक्टर है वो ये था। यानी कि सिंपल वर्डों में अगर मैं बोलूं तो दीज आर द शेप ऑफ द एस एंड पी एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी एस पी डी एफ ऑर्बिटल ऑल्सो अफेक्टेड द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड फैक्टर हमारा क्या होता है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है, वो हमारा है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर प्रेजेंट चार्ज। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर प्रेजेंट चार्ज, न्यूक्लियस पर प्रेजेंट चार्ज से मतलब है, अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एलाइड, ठीक है, ये होता है बीई, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया एन, और ये हो गया ओ, और ये हो गया एम, ठीक है। आपको पता है लिथियम बेरिलियम को मैं एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हमारे पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ज्यादा कंपेयर करने के लिए ज्यादा एक काम करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं। तो पी का होता है आपका 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है, इसका हो गया 2p2, इसका हो गया 2p3, इसका हो गया 2p4, और ये हो गया 2p5। ओके, तो अगर चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्रॉम केमिस्ट्री में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑक्टेट, दैट इज नोन एज द चार्ज। ठीक है, अगर हम लिथियम को लेते हैं तो इसका कितना हो जाता है 1s1, और इसका हो जाता है 1s2। ठीक है, चार्ज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, तो इसका चार्ज अगर हम फाइंड करते हैं तो इसका चार्ज कितना हो जाता है, इसका 1 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है, ये सॉरी 1 नहीं 3, इसका चार्ज कितना हो जाता है 3, इसका कितना हो जाता है चार्ज 3, इसका कितना हो जाता है आपका 4, ठीक है, 3 कैसे, क्योंकि लिथियम होता है ये 3 और ये हो गया 4, ठीक है, तो 3 का मतलब हो गया 1s2 2s1, ये आपका हो गया 1s2, ये हो गया आपका 2s1, ये हो गया 2s1 और ये 2s2, ठीक है, तो 1s को भी तो इंक्लूड करेंगे, 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 2s1, तो 2 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये हो गया आपका 5 हो गया, ये हो गया आपका 6 हो गया, ये हो गया आपका 7 हो गया, ये हो गया आपका 8 हो गया, ये हो गया आपका 9 हो गया, देन आफ्टर लास्ट हो गया इनर्ट गैस जिसे हम कहते हैं नियम। ठीक है, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में प्रेजेंट चार्ज, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑक्टेट। ठीक है, अब हमारा इसमें इसका न्यूक्लियस की तरफ को चार्ज क्या होगा, इस न्यूक्लियस की जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी तेजी से क्या होगा, बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका चार्ज क्या हो रहा है, आप देख रहे हो रेगुलरली चार्ज क्या हो रहा है, इधर से इधर को बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ने का मतलब होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ क्या हो रहा है, प्रॉपर अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मुझे तोड़ना इसलिए है क्योंकि मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ानी है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ानी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर वो ज्यादा चार्ज से न्यूक्लियस की तरफ बढ़े हुए हैं, ठीक है, ज्यादा चार्ज से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बढ़े हुए हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज से न्यूक्लियस की तरफ को बदले तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या समझे कि जितना हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है चार्ज बढ़ने के साथ। इसका मतलब क्या समझे कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होंगे वो टाइटली बंध जाएंगे, और तो टाइटली अगर वो बंधे रहेंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल वर्डों में चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तीसरा फैक्टर जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है, वो हमारा है थर्ड फैक्टर,
वो है आपका शील्डिंग इफेक्ट, कह सकते हो वो आपका है आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है पहले तो आपको बताना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट होता है द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन देन अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस देन द रिपल्सिव फोर्स। किसी भी ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए ये आपके सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ तो अट्रैक्शन है बट बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ को क्या है आपका रिपल्सन है। क्यों मैं क्या कह रही हूँ, शील्डिंग इफेक्ट समझा रही हूँ आपको, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ये आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टैटिक टैग है, इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ तो अट्रैक्शन होगा बट पीछे वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ को क्या होगा रिपल्सन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो अट्रैक्ट होगा बट जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन उस पर भी नेगेटिव चार्ज है तो माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। तो अट्रैक्टिंग एंड रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन एट दिस टाइम अट्रैक्शन इज लेस देन द रिपल्सन। इस समय अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी इन कंपेयर टू रिपल्सन। अट्रैक्शन की वैल्यू लेस क्यों होगी इन कंपेयर टू रिपल्सन, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन होने के लिए इसके आगे ये जो सेल्स है, ये वाली सेल्स है, ये वाली सेल है, ये इसके लिए क्या करेगी, बैरियर का काम करेगी, यानी कि इसको क्या करेगी, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की वैल्यू रोकेगी बट रिपल्सन करने के लिए उसके जस्ट पीछे वाली जो सेल है उसके जस्ट पीछे वाली सेल में रिपल्सन होता है तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस और माइनस एक दूसरे के अगल बगल है बट अट्रैक्शन करने के लिए आगे से बहुत सारी बैलेंस सेल है जो किसके लिए काम करती है, पेनिट्रेशन, वो बैरियर का काम करती है। तो शील्डिंग इफेक्ट को समझे पहले, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब हो गया किसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो बैलेंस है उसका न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन बट पीछे वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ को रिपल्सन होता है साथ साथ बट एट दिस टाइम इज अट्रैक्शन इज लेस देन द रिपल्सन। इस समय अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी इन कंपेयर टू रिपल्सन। तो इतना कहने शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से प्रोवाइड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी को, शील्डिंग इफेक्ट इस तरह से प्रोवाइड करता है कि जहां शील्डिंग इफेक्ट आया है, इस शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम भी होता है, मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, कई लोग इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक। तो इस शील्डिंग इफेक्ट के कारण आपने देखा कहा इसमें ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, कहा ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट का मतलब दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि अट्रैक्शन ही रिपल्सन ज्यादा है। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, रिपल्सन होगा। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, तो अट्रैक्शन की बजाय उसमें क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। अट्रैक्शन की बजाय अगर उसमें रिपल्सन हो रहा है द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, और मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकालना है क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ना है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी आपकी, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर इसके इफेक्ट ज्यादा है तो क्या मतलब हुआ, अट्रैक्शन की बजाय उसमें रिपल्सन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जा रहे हैं, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन अट्रैक्शन अगर ज्यादा होता तो वहां पर स्क्रीन इफेक्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक। तो ये आपका तीसरा फैक्टर था जो अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। चौथा जो फैक्टर है वो फोर्थ फैक्टर जो हम लेके चलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी को, वो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। वो क्या है आपका, हाफ एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल लेके चलेंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत से ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन वगैरह में भी या बुक्स में जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं इन ए केमिस्ट्री ऑर्बिटल शुड बी स्टेबल ओनली इन टू केस, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। कोई भी ऑर्बिटल जो स्टेबल होता है वो या तो हाफ फिल्ड में स्टेबल होता है या फुली फिल्ड में स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड का मतलब हो गया कि जैसे कि आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, जैसे एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो हाफ फिल्ड इसका क्या, फुली फिल्ड इसका क्या माना जाएगा, 2, और हाफ फिल्ड क्या माना जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं, तो हाफ फील्ड का मतलब हो गया P3 और फुली फील्ड का मतलब हो गया P6, ठीक है। डी में जैसे 10 होते हैं तो हाफ का मतलब हो गया 5 और फुली फील्ड का मतलब हो गया 10। ऐसी एफ में अगर आपको 14 होता है तो ये 7 और ये हो गया 14, ठीक है। सपोज कोई केस ऐसा आता है कि जैसे बोला P3 की बजाय P4 बोला तो ये हाफ फील्ड नहीं हुआ, उसको हम हाफ फील्ड नहीं कहते। हाफ फील्ड हमारा जो माना जाता है हाफ और फुल,
ठीक है, अगर ये हो गया तो इसको हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, पार्शियली फिल्ड। ऐसे डी में अगर 5 और 10 है तो हाफ 5 हाफ हो गया और 10 क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया। बट इस केस में अगर 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, तो दैट इज नॉट ए हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, दिस इज नोन एज द पार्शियली फिल्ड। इसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, पार्शियली फिल्ड। पहले तो आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का, ठीक। अब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड मैंने आपको समझा दिया, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि हम लेके चलते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, ठीक। नाइट्रोजन हो गया एटम नंबर 7 और ऑक्सीजन हो गया 8, इसका इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन हो गया 1s2 2s2 2p3, ठीक। और ये हो गया 1s2 2s2 2p4, ओके आपका हो गया 2p4। आपने देखा, मैंने इसलिए ऐसा एग्जांपल लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या है। तो ये देख रहे हैं 2p3, 2p3 का मतलब हो गया दिस इज 1 2 3, तो दिस इज हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड, ठीक है। ये आपका हमारा क्या है, हाफ फील्ड होता है, ओके। और 2p4 का मतलब हो गया दिस वन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारा हाफ फील्ड नहीं है, दिस इज ए पार्शियली फील्ड, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियली फील्ड। तो कोई भी एलिमेंट दो ही कंडीशन में स्टेबल होता है, या तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड, ये आपको मैंने पहले बोल दिया, ठीक। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस की तरफ को फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। या कह सकते हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी एक बार वीडियो में, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर 2p3 है, अगर इसको लेके चलेंगे हम ऐसे समझेंगे तो 2p3 1 2 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसमें 2p4, इसका मतलब इसमें है 1 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन होगा, तो ऑब्वियसली इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसमें इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एंथैल्पी की आवश्यकता होगी, ज्यादा एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या समझे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जो है आपको आयनाइज एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वो भी बढ़ी होगी, ठीक होगा। यही बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारे फैक्टर रेडियस से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइज एंथैल्पी की क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा केस डिफरेंट है, केस ये डिफरेंट है कि यहाँ पर 2p3 और 2p4 का केस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम मान के चलो कि अगर इसके आयनाइज एंथैल्पी की वैल्यू 1.1 है, तो इसके आयनाइज एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, 1.2 होनी चाहिए, क्योंकि बढ़नी चाहिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पर दिस इज द हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का तो ये क्या है, आपका स्टेबल है, ये आपका क्या है, स्टेबल है। और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। बट दिस इज अ पार्शियली फील्ड, और आपको मैंने बोला अनस्टेबल होगा वो, क्योंकि पार्शियली फील्ड कोई भी एलिमेंट का ऑर्बिटल होगा तो हमेशा अनस्टेबल ही माना जाता है। तो इस वाले में हाफ फील्ड है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा अंतर की आवश्यकता होगी इन कंपेयर टू दिस वन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना एक कारण नहीं होता है, ये भी देखना पड़ता है कि उसके आगे हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस समय नाइट्रोजन के आयनाइज एंथैल्पी 1.1 ना होते हुए क्या, ये 1.1 ना होते हुए क्या होगी, ये 1.2 हो गई और ये क्या हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी, जबकि होनी चाहिए थी 1. ये हो गई आपकी 1.2 और ये हो जाएगी 1.0 या 1.1 हो गई, ठीक। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन की आयनाइज एंथैल्पी ज्यादा है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, आयनाइज एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट एक्यूरेट में होनी क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कहा मैंने आपसे क्वेश्चन यही बनता है कि वाई नाइट्रोजन शो द हायर आयनाइज एंथैल्पी इन कंपेयर टू ऑक्सीजन on moving left to right. That is main reason, nitrogen is half filled orbital, so it is a stable form and we need the more and more amount of energy to remove the electron from the outermost orbital in compared to oxygen, because in oxygen is the partially filled orbital, it should be unstable in compared to the nitrogen, so nitrogen show the higher energy enthalpy in compared to the oxygen. So this is the fourth factor to affecting the, this is the next factor, fourth factor to affecting the ionization एंथैल्पी। एंड द लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइज एंथैल्पी दैट इज द रेडियस, हमारी रेडियस भी आयनाइज एंथैल्पी को प्रभावित करती है, ठीक है। तो होगी नेक्स्ट होगी आपकी, नेक्स्ट आपकी होगी एटॉमिक रेडियस, नेक्स्ट जो है आपकी एटॉमिक रेडियस। ये रेडियस में ये हाफ फील्ड ऑफ फुली फील्ड ऑर्बिटल का फैक्ट दोबारा लागू होगा। अगर हम एलिमेंट को लेके चले, फिर वही लेके चलते हैं बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो दिस इज 1s2 2s2 2p1, this is 2p2, this is 2p3 and this is 2p4, ठीक है। और रेडियस का मतलब हो गया न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट सेल तक की दूरी, इसमें p1 एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले में क्या है आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन।
अब इसमें न्यूक्लियस का तरफ को सबका अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन साइज रिड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपरली अट्रैक्ट हो रहा है. सेम वे 2 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है, सेम वे 3 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है एंड सेम वे 4 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है. तो ज्यादा अट्रैक्शन किस में हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन में. तो यानी कि कहने का मतलब है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द रेडियस बिकम डिक्रीज. आपको ये क्लियर हो गया, ये पहले भी बता चुके हैं हम रेडियस वाले फैक्टर में, रेडियस वाला वीडियो आप चेक करिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कि जितना ज्यादा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं द रेडियस बिकम डिक्रीजेस बिकॉज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेल्स रिमेन कांस्टेंट. तो कहने का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी इन कंपेयर टू दिस वन. ठीक, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो आयनाइज एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. लेफ्ट टू राइट एंथैल्पी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी. ठीक, बट आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस डिफरेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन इज द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन इज द फुली फिल्ड. हाफ नाइट्रोजन इज द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन इज द पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल. सो इन दिस केस वी नो दैट द आयनाइज एंथैल्पी अरेंज इन सबसे ज्यादा किसमें होगी, बोरोन, देन आफ्टर द कार्बन एंड देन आफ्टर व्हाट, नाइट्रोजन. ही इसमें नाइट्रोजन की नहीं होगी, इसके बाद क्या होगा आपका, ऑक्सीजन देन आफ्टर नाइट्रोजन. क्यों हो जाता है ऐसे, क्योंकि अभी आपको मैंने इससे पहले प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि जितना हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है उसके अकॉर्डिंग आयनाइज एंथैल्पी की वैल्यू क्या वैरी करती है. सो दीज फाइव फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसी के बेसिस पर आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं कि आयनाइज एंथैल्पी किस तरह से हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल में वैरी करती है. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना ज्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा और उसको रिमूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ेगी. तो ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिसे हम क्या कहते हैं, आयनाइज एंथैल्पी. तो हम आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं, पहली थी आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट था आपका आयनाइज एंथैल्पी और उससे प्रभावित, उसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइज एंथैल्पी. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.